नमस्कार सत श्रीकाल वालेकुम मैं हुरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल आइए घर के अंदर आइए आज आपको कुछ खास दिखाते हैं पहले सामने यहाँ पे सबसे पहले ये दरवाजे को हम देखते हैं ये जो दरवाजा है ये मैंने इसको ऐसे छोड़ा और ये अपने आप डोर टू लगा हुआ है और यहाँ पे ये जो दरवाजे के साथ ही ये शीट लगा के उसके अंदर एलईडी स्ट्रिप लगाई हुई है और बहुत शानदार ही दरवाजे से भी आता है अब इसको देखकर एक शेर याद आ गया कि जिंदगी तुझसे ये गिला है मुझे जिंदगी तुझसे ये गिला है मुझे कि तू बहुत देर के बाद मिला है मुझे अब ऐसा जो फ्लैट है काफी देर के बाद मिला है इसीलिए यह शेर याद आ गया कि इस तरीके के जो नॉर्मली फ्लैट्स हैं या घर हैं वो कम बनाए जाते हैं और क्यों कम बनाए जाते हैं क्योंकि इस पर खर्चा ज़्यादा हो जाता है और वो भरते नहीं हैं खर्चे कस्टमर जो खरीदने वाले होते हैं उनको ये लगता है कि जी तो शनाप रेट ले रहे हैं लेकिन हर चीज़ की कीमत होती है तो हम सफ़र चाहिए हजूम नहीं हम सफ़र चाहिए हजूम नहीं एक मुसाफिर ही काफिला है मुझे के अब शेर इसके अंदर ये बात है कि भाई हमें तो एक हमसफर चाहिए हजूम भीड़ नहीं चाहिए हमें तो एक मुसाफिर ही काफिले जैसा है यानी कि भाई हमने कौन सा बीस पच्चीस सौ घर बनाने हैं हमने तो एक ही घर बनाना है उसी के अंदर सब कुछ अगर लगा हो तो वही हमें सफिशेंट है तो इसीलिए मैंने ये शेर पढ़ा है अब बाहर एंट्री के ऊपर ही यहां पे एक शानदार किचन बनी हुई है अब इस किचन के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि बहुत कुछ लगाया जाता है और कोशिश ये होती है कि जो देखने वाला है वो कहे वाओ वाओ क्या बात है बहुत अच्छी बात है तो यहाँ जो ग्लास के विंडो है जो ये बोर्ड है इसका जो ये वाला गेट है यहाँ जिसको हम पल्ला कहते हैं ये ग्लास का लगाया हुआ है यहाँ पे और बड़ा जो इसके जो ये कब्जे होते हैं ये भी पंद्रह सौ के आसपास के हैं बड़ी महंगे क्वालिटी के हैं अंदर लेमिनेशन किया है और एलईडी लाइट लगाई हुई है ताकि ये अगर बंद भी रहे तो हमें पता है कि इसके अंदर क्या सामान पड़ा है अब इसके अंदर हमें पता नहीं क्या सामान पड़ा है हमें खोल के देखना पड़ेगा अच्छा यहाँ पे तो बर्तन रखते हैं ये तो बर्तन रखने वाली स्टे ट्रे है यहाँ पे तो ये भी शानदार क्वालिटी की बनी हुई है और ये एज इट इज ही आपको मिलेगी किचन के अंदर कुछ चीज होती है दिखाई जाती है मिलती नहीं है तो ये जो आपको यहाँ पे ये जो दिखाई पड़ रहा है ग्लास की विंडो ये आपको एजेज ही मिलेगी अंदर एलईडी लगाकर चिमनी नहीं मिलेगी लगाई गई है आप लगवा सकते हैं और ये जो आपको विंडो है एज मिलेगी मॉडलर किचन है ग्रीनाइट लगा हुआ है और ये जो ट्रेज है यहाँ पे एजेज ही आपको मिलेंगी इसमें कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे जो ये टैब है ये आपको इसी तरीके से ही मूविंग वाली एजेज मिलेंगी और जो सिंक है नॉइस फ्री है अब इसके बाद आती है ये वाली एक्स्ट्रा स्टोरेज तो भाई ये जो एक्स्ट्रा स्टोरेज है ये वाली स्टोरेज आपको एज इज ही मिलेगी लेकिन ये ओवन की जो स्पेस दी गई है ये आपको आ, स्पेस मिलेगी लेकिन ओवन नहीं मिलेगा ये आपको खुद अपना मोस्टली घरों के पास होता ही है अब इस तरफ ये जो ग्लास या क्रॉकरी डिस्प्ले है इसके अंदर एलईडी की स्ट्रिप लगी हुई है एज इज आपको शानदार सुंदर मिलेगी और ये जो टेबल है घर के बच्चों के लिए घर के अपने बंदों के लिए यहाँ बैठ के भी ब्रेकफास्ट चाय, लंच डिनर कर सकते हैं आ, तो ये एज एट आपको शेल्फ मिलेगी चेयर्स आपको खुद लानी पड़ेंगी कहोगे तो ले आएंगे अब उसके सामने ये एरिया है डाइनिंग वाला तो डाइनिंग वाले एरिए को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है डाइनिंग उधर शिफ्ट कर दिया और यहां पे ड्राइंग आ, वाला एरिया यूज कर लिया तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से बनता तो वैसे ड्राइंग यही है अब ये वाला डाइनिंग वहां आ गया और वो वाला सोफा यहां आ गया और यहाँ विंडो है बाहर से इसका व्यू भी है और पीछे ये जो आ, विशाल बड़ा सा ग्लास मिरर लगा हुआ है इससे यूं लगता है कि घर आगे भी है इसके आगे भी वो सामने एक रूम है तो और स्पेशियस फील कराने के लिए ये ग्लास यूज किए जाते हैं और पीछे ये वुडन स्टेप है ये वॉल अगर आपको एज एट तैयार करनी पड़ेगी तो अराउंड दो लाख रुपए में ये वॉल एज एट तैयार होगी ये एडिशनल कॉस्ट है ऊपर डाउन सीलिंग है आपको एज एट मिलेगी झूमर आपको चॉइस है आपकी लगाना है तो पे कर दें नहीं लगाना है तो मत पे करें इसके बाद यहां पे ये वाली जो जगह है यहां पे आ, कैमरा इस तरफ घुमा के आपको दिखाते हैं ये एलईडी पैनल के तौर पे यहाँ पे इसको स्पेस दी गई है ताकि इसके सामने सोफा हो जाए और यहाँ पे हम एलईडी लगा लें नहीं तो ये जिस तरीके से इसकी डिजाइनिंग की गई है जो स्वास्तिक का निशान है यहाँ पे घंटियों के निशान है और ओम का यहाँ पे ये यह निशान तैयार किया गया है ग्रेव किया गया तो ऐसा आप अपने हिसाब से लगवा सकते हैं कुछ और लगाना चाहिए तो वो लगा सकते हैं अब स्पेस देखें आप मूवमेंट स्पेस कितनी है यहां पे सोफा डाइनिंग टेबल लगाने के बाद भी बहुत सारा एरिया यहाँ पे मूवमेंट के लिए है घूमने फिरने के लिए है। तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं दो तीन चार साल के तो उनको घर के अंदर ही यहाँ पे घूमने में खेलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ये एक अच्छी चीज है क्योंकि दो बेडरूम का जो घर होता है वो सत्तर सी गज से शुरू हो जाता है और वहां तो बस आ, कमरे से निकले दीवार आ गई दीवार से निकले तो अगली दीवार आ गई बस इतना ही स्पेस होती है बट यहाँ पे 108 सौ गज में बना हुआ तो बहुत शानदार है तो दो बेडरूम के साथ हम जो इंसान है इंसान छोड़े जानवर भी जो है अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है कहीं हमने देखा कि एक डॉगी ने कुछ बच्चे दिए थे और कोई उधर जाता है तो वो पीछे पड़ जाती हैं। हमने देखा कि पंछियों ने जहाँ पे अपने बच्चे दिए होते हैं कोई उस पेड़ की तरफ जाए तो पंछी पीछे पड़ जाते हैं यानी कि हर प्रजाति जो है इस यूनिवर्स की वो अपने बच्चों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है चाहे इंसान है चाहे जानवर है चाहे पंछी है कुछ भी है तो ऐसे ही हम हैं हमें तो समझ है हम बच्चों की परवरिश अच्छी करते हैं उनको अच्छी पढ़ाई देते हैं तो अच्छी पढ़ाई और अच्छी स्टडी के साथ साथ आजकल बच्चे कहते हैं कि जी हमें प्राइवेसी चाहिए हमारा अपना रूम चाहिए हमें तो अपने रूम में रहना है हम डिस्टर्ब मत करें पेरेंट्स की बातें से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो यहां पे गेट के साथ ही एक बच्चों का रूम है आइए ये दिखाते हैं अब यहाँ पे दो बच्चों का ये बेड ऐसे नीचे लग सकता है ये कंडीशनल है अगर आपके घर में एक बच्चा है तो सिंगल नीचे वाला बेड आप लगा सकते हैं और यहाँ पे बच्चों का एक छोटा सा स्टडी टेबल आपको मिल जाएगा और यहाँ पे बच्चे अपना जो भी डेकोरेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और यहाँ बच्चों की एक स्पेशल अलग से अलमीरा मिल जाएगी तो ये बड़ी चीज है अलमीरा को थोड़ा इधर आके दिखाते हैं आपको कि ये जो अलमीरा है ये बच्चों की सेपरेट होगी तो इससे क्या है कि बच्चों में डिसिप्लिन भी आता है कि भाई अपनी लमीरा की खुद सफाई करनी है अपने कमरे की खुद सफाई करनी है और इस तरफ ये एक फ्रेम देखें इधर से कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि ये जो फ्रेम है इसके अंदर हम बच्चों की पिक्चर्स का फ्रेम बना के लगा सकते हैं यहां पे जैसे भी बच्चे पोस्टर चाहें और ऊपर डाउन सीलिंग देखें उसमें ग्लास लगा हुआ है बच्चे यहां बैठे होंगे तो ऊपर उनको दिखाई पड़ेंगे तो इस डाउन सीलिंग के अंदर मैंने एक हॉलीवुड मूवी देखी थी उसके अंदर उन्होंने ऊपर चांद तारों की स्टिकर लगा रखे थे तो जब बच्चे रात को लाइट बंद करते थे तो वो रिफ्लेक्ट करते थे चांद तारे तो ये एक अच्छी चीज है जो आप यहां पे बच्चों के लिए कर सकते हैं क्योंकि ये बच्चों का सेपरेट रूम है तो टू बी एच के में सेपरेट रूम नहीं मिलता यहां पे बच्चों का एक सेपरेट रूम है और यहां जो लाइटिंग है ये सेंसर बेस लगाई हुई हैं जैसे आप किचन में जाओगे तो किचन की लाइट ऑन हो जाएगी जैसे आप लॉबी में आओगे लॉबी की लाइट ऑन लाइट ऑन हो जाएगी जैसे आप बेडरूम में जाओगे बेडरूम की लाइट ऑन होगी तो दो बेडरूम है वो भी आपको दिखा देते हैं अब ये जो बेडरूम है ये बेडरूम में पिछले वाली वॉल को ग्लास और पफिंग करके यहां पे कुशन दिए गए हैं और ऊपर डाउन सीलिंग दी गई है तो डाउन सीलिंग भी दिखा देते हैं आपको और जो हैंगिंग लाइट है यहां पे डिफरेंट थोड़ा सा नॉर्मली जो ट्रेंड में चलती हैं उनमें डिफरेंट करी हुई हैं और सबसे शानदार बात है कि जब हम कबर्स को देखते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि स्लाइडिंग कबर्स होती हैं या खुलने वाली होती हैं तो यहां खुलने वाली दी है ऊपर से नीचे तक लेकिन जो क्वालिटी है अंदर से भी लेमिनेशन है बाहर से भी इन, इसकी अच्छी सरमाइक लगाई है और ये जो जिसको हम हैंडल बोलते हैं ये इनबिल्ट अंदर वाले हैं तो ये डिफरेंट लुक देते हैं यहां वाली जो ये एरिया है अलमीरा का ही पार्ट है लेकिन इसको डिस्प्ले के तौर पे यूज कर दिया है अब इस तरफ घुमा के आपको दिखाते हैं एलईडी पैनल खास बात क्या है कि एलईडी पैनल सिंपल सिंपल होते हैं बट यहां इस पर भी मैक्सिमम ग्लास का, का काम किया है दोनों तरफ ग्लास लगा दिया गया है और नीचे इसकी स्टोरेज है तो ये वाला एरिया जो है स्टोरेज यहां पर दी गई है तो यह भी अच्छी चीज है यहां पर ग्रेनेड लगा दिया गया है टाइल लगा दी गई है तो टाइल से इसकी लुक और बढ़िया आती है अब उसके बाद आता है पीछे का हमारा वॉशिंग एरिया तो ये भी आपको एक आ, इसकी नज़र नीचे से देखें आप ग्रास छोटे छोटे यहाँ पे प्लांट्स लगा दिए गए हैं और इसको बड़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज किया गया है और यहाँ टैब वाटर के लिए टैब लगा दी गई है और वॉशिंग मशीन के लिए कनेक्शन दिया गया है ऊपर डाउन सीलिंग कर दी है और बैक टू बैक जो फ्लैट है उसके बीच में, बीच में से यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए जगा दी गई है अब इसका वॉशरूम दिखाते हैं तो वॉशरूम देखें आप जैसे ही आप वॉशरूम के अंदर एंटर करेंगे तो ये लाइट ऑन हो गई तो लाइट ऑन होगी और यहां पे जो जगह दी गई थी छोटी सी वॉल के अंदर इसको डिजाइनिंग के लिए लाइट लगाकर यहां पे एक फ्लावर पॉट रख दिया गया है और जो यहां वॉश वॉशपेशन सिंक है ये भी बढ़िया क्वालिटी का लगाया हुआ है और जो ये जो असेसरी है जेकवर की है तो ये अपने आप में ब्रांड है जेगवर और ये वॉल हैंगिंग सीट्स हैं यहाँ पे और ये इसके नीचे जो है स्टोरेज यहाँ के लिए ये कबर दी गई है और यहाँ पे छत तक टाइल लगाकर डाउन सीलिंग भी कर दी गई है और यहाँ का वॉशरूम की जो वेंटिलेशन है यहाँ से बाहर आपको हवा यहाँ से पास ऑन हो जाएगी तो ये अच्छी चीज है तो अब बेड के इस तरफ आप देखें कितनी जगह बची हुई है और बेड के इस तरफ ही देखें कितनी जगह बची हुई है तो बहुत सारी मूवमेंट के लिए यहाँ पे स्पेस दी गई है दोनों बेड के साथ में और जो अलमीरा है वो तो शानदार है ही अब हम सेकंड रूम में चलते हैं तो सेकंड रूम में किचन के साथ वाला ये रूम है इसमें जाते हैं तो इसमें भी देखें अः एल पैनल तो जहा यहाँ पे नहीं लगाया गया है लेकिन एल पैनल की जगह पे यहाँ पे मिरर लगा दिया गया है तो जो ड्रेसिंग वाला मिरर होता है ऊपर से नीचे तक आप फुल आपकी जो ड्रेस है आपको विजिबल रहेगी और यहाँ पे इसको सिंपल रखा गया है तो पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं आप ये देखें अगर आपको केबल लगानी है तो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं तो एलईडी डी यहाँ लग जाएगी आपकी लेकिन ये डाउन सीलिंग भी है और यहाँ पे जो आपकी कवर्स हैं उसका गेट जो है वो ट्रांसपेरेंट रखा गया है और यहाँ पे स्लाइडिंग दिया गया है इसको तो ये स्लाइडिंग आप देखें ये काफी स्पेस है यहाँ पे और इसके अंदर भी लाइटिंग लगाई गई है ताकि जो कपड़े आपने रात को देखने हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइटिंग से आप उसको देख सकें और दोनों तरफ ये जो है स्लाइडिंग दिया गया है और यहाँ पे नीचे आ, स्टोरेज के लिए एक्स्ट्रा जगह भी दी गई है और बेड के साथ भी यहाँ पे बहुत सारी स्पेस है जो कि मूवमेंट के लिए दी गई है और नीचे भी जगह दी गई है तो अब देखें कि बेड के साथ ये जो एरिया है इसमें भी ग्लास लगाया गया है वॉल को डिजाइन किया गया है और दोनों तरफ ग्लास दिए गए हैं इससे और स्पेशियस कमरा लगता है तो बेड है बिल्कुल रेडी अब हम चलते हैं सेकंड वॉशरूम के अंदर इंटर किए तो लाइट जल रही यही फीचर है जिससे कॉस्ट थोड़ी 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 करके महंगी हो जाती है तो जब हम इसकी प्राइस बताएंगे तो आप कहोगे यार इसीलिए ये थोड़ा सा महंगा है पर घर बार बार नहीं बनते और इसीलिए बेस्ट क्वालिटी के जो ग्राहक हैं उनको फिर पता लगता है कि हाँ जी अच्छी चीज का दाम अच्छा ही होता है तो यहाँ पे वॉश बेसिन देखिए जैसे हम ड्रम बनाते हैं बकट होता है वैसे ये पूरा पूरा चीनी का है नीचे से तो ये पूरा चीनी का है ये अब सिंक की कॉस्ट लगाए तो ये काफी महंगी होती है और वॉल हैंगिंग सीड्स हैं दस पंद्रह हजार की तो यही आती है तो तो हमने दिखाया कि ये जो घर है इसके अंदर दो बेडरूम बने हुए हैं शानदार किचन बड़ी शानदार है मॉडलर है और बच्चों का स्पेशल रूम है और बहुत स्पेशियस ड्राइंग डाइनिंग है अब उनतालीस नब्बे इसका टॉप फ्लोर का प्राइस है उनतालीस नब्बे ही इसका फर्स्ट फ्लोर का प्राइस है और ग्राउंड फ्लोर का प्राइस चालीस नब्बे है अब ये आप थ्री बी एच के से थोड़ा सा कम कह सकते हैं दो बेड बी एच के से बड़ा कह सकते हैं तो आज की डेट में यहाँ पे जो ठीक ठाक फ्लैट हैं वो पैंतीस छत्तीस के टू बी एच के बिकते हैं उसके हिसाब से इन्होंने तीन लाख रुपया चार लाख रुपया बढ़ाया हुआ है तीन चार लाख रुपया वो बढ़ाया हुआ है ये जो एक्स्ट्रा रूम है और जो एक्स्ट्रा काम किया गया है क्योंकि अगर हम किचन बेडरूम वॉशरूम ये चीजें नॉर्मल हैं इन्हीं के अंदर ही कॉस्ट अगर लगाएं एक नॉर्मल फ्लैट इसके आसपास और बने होंगे वो भी देखेंगे जब आप आओगे तो उसके और इसके अंदर जो फर्क होगा वो आपको विजिबल होगा दिखाई पड़ेगा कि हाँ फर्क तो है अब जब हम ये घर बनाते हैं खुद और अब सामान लेने जाते हैं तो एक एक आइटम को जब हम काउंट करते हैं जोड़ते हैं तो समझ लगती है कि भाई इन सब के अंदर चार पांच लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्चा आता है अगर हम सिंपल वॉशरूम बनाएंगे और सिंपल किचन बनाएंगे सिंपल बेडरूम की कवर्स बनाएंगे सिंपल सिंपल काम कराएंगे तो चार लाख रुपया हमारा कम हो जाएगा अगर हम ऐसा फ्लैट चाहिए वो भी मिल जाएगा कम प्राइस में लेकिन अगर आप शौकीन हैं अगर आप चाहते हैं भाई एक, एक एक मकान जिंदगी बनाना है वो बढ़िया बने बढ़िया क्वालिटी हो बढ़िया सब कुछ हो क्योंकि जो भी घर में आए वो कहे वाह शर्मा जी बड़ा सुंदर सु, घर है वर्मा जी बहुत अच्छा है बंसल जी क्या बात है सिद्धू साहब बिल्लो साहब क्या बात है जी तो वो कहते हैं जॉन जी और अहमद जी असलम जी उनको भी कहें माशाल्लाह क्या घर बनाया आपने तो यहां मैं कम्युनल नहीं होना चाहता तभी मैंने सबके नाम ले दिए हैं और बात यह है कि जो लोग जब आके कहते हैं ना कि वाह क्या बात है तो बहुत बढ़िया घर बनाया बहुत शानदार है तो फिर वो पैसा वसूल हो जाता है अगर 20 लोग हमारे घर आए और बीसों के बीसों कहेंगे वाह जनाब मजा आ गया तो ऐसा हमें भी बनाना है तो वो छाती फूल जाती है, है पूरा यार मजा आ गया और जो हमारी बहनें हैं खासकर जब उनकी रिश्तेदार तारीफ करते हैं कि अरे अरे रोशनी अरे चांदनी अरे ज्योति बहुत अच्छा घर बनाया तूने तो कमाल कर दिया और जब दस सहेलियां बैठ के बात करती हैं कि भाई मिसेस शर्मा जी का मिसेस वर्मा जी का बहुत सुंदर घर बना है तो कमाल है तो वो गोसेपसिंग गॉसिपिंग जो होती है उसके अंदर जब आपका नाम आता है आपकी तारीफ होती है तो बड़ा अच्छा फील गुड फैक्टर होता है तो इसी चीज के लिए लोग पैसे खर्चते हैं लोग फॉरन जाते हैं घूमने क्यों जाते हैं पैसे खर्चते हैं दिखाते हैं फेसबुक पे वो जो पैसा खर्चा होता है वो वाह जो मिलती है दूसरों से उससे वो लगता है कि भाई पैसा वसूल हो गया तो इस घर के अंदर अगर आप प्राइज कॉन्शियस हैं तो ये आपके लिए नहीं है अगर आप जिंदगी लैवेश खूबसूरत तरीके से जीना चाहते हैं पैसे वो कहते हैं ना लोन लेना है तो फिर जहां चार सही वहां आठ सही क्या फर्क पड़ता है वो पंजाबी में कहावत है जो पंजाब गांव के लोग होते हैं वो कहते हैं जी वो शराबी बैठे थे चार गांव के बाहर और वेट कर रहे थे दो तीन लोग जो शराबी थे कि भाई शाम हो तो फिर दारू पियेंगे कहीं से लेकर कुछ उधार धूर तो एक बंदा आया और शराबी वो कहता है हाँ जी भाई किसकी इंतजार कर रहे हो कह रहे जी शाम की इंतजार कर रहे हैं कह रहे क्यों शाम की इंतजार कर रहे हो कह रहे भाई शाम को किसी से उधार मांगेंगे तो दारू पिएंगे पैसे तो है नहीं तो जो लास्ट वाला बंदा आया था शराबी वो कहता है भाई साहब जब तो आ रही पीनी है तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करना है चलो अभी लेते हैं तो जब कर्जा ही लेना है मान लीजिए या इधर उधर से पकड़ना ही है तो फिर चार क्या फिर आठ क्या क्या फर्क पड़ता है तो घर एक बार ही बनता है तो वो कहते हैं हमें तो हजूम नहीं चाहिए हमें तो हम सफर चाहिए और हमें तो वही एक मुसाफिर काफिले की तरह है तो उसी तरीके से ये जो घर काफी दिनों की मेहनत के बाद हमें मिला है तो आपको इसलिए दिखाया है कि आप भी एक भाई साहब ने कहा कमेंट करा कि जी हम तो आपकी जो वीडियोस हैं वो एलईडी प्रोजेक्टर पे देखते हैं घर का कोना कोना दिखाई देता है जमीन का इंच इंच दिखाई देता है तो आज ये जो घर हम शानदार दिखा रहे हैं इसका कोना कोना आप जब अपने घर की एलईडी स्क्रीन पे देखोगे तो कहोगे वाह मजा आ गया क्या बात है तो ये नीचे कमेंट जरूर कर देना जिनको मजा आया है वो लिख देना कि वाह क्या बात है उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी आज के लिए इतना तो ही मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ